लवकेश, कैसा रहा बिग बॉस का एक्सपीरियंस? कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा कि एटलीस्ट फाइनलिस्ट तक, टॉप फाइनल तक जाओगे, दुखी थे थोड़े से? आपने सुना था ना, दुखी था, ऑब्वियसली दुखी था यार। और मैं ना शायद यहाँ पे 85वीं बार बोल रहा हूँ कि मैं दुखी था, बट चलो ठीक है, एक बार ही और बोल देता हूँ, 51वीं बार कि हाँ यार दुखी था, बहुत दुख हुआ जब मैं निकला, पर बाहर आके मैंने देखा कि जनता का प्यार मिला है, तो उस चीज़ को देख के मैं थोड़ा वो हो गया कि चलो वेरी नाइस। और कहीं ना कहीं सिस्टम हैंग हो रहा है, क्योंकि फैंस कहीं ना कहीं, मैं देख रही हूँ जियो सिनेमा के जितने पोस्ट है, इवन ओलंपिक्स वाले पोस्ट पे भी वो आपके लिए कमेंट कर रहे हैं। लवकेश, एक एम होता है ना कि आप बिग बॉस में जा रहे हो, इस तरह का प्यार मिलेगा, वो किस तरह का फीलिंग हो रहा है कि इतना प्यार मिल रहा है आपको? यार वही चीज़ें तो मैं थोड़ी गलपिन नहीं कर पा रहा कि एटलीस्ट उनको वो लवकेश दिखा जो प्यारा है लिटरली में यार, जो इमोशनल भी है, जो बड़ों की एटलीस्ट, चलो बेशक किसी को बदतमीजी लगे पर बाद में जाके इज्जत भी करता है, उनसे अच्छे से बैठ के बात करता है, जिसको अपने आप को अपने आप के किस्से बताना पसंद है, जिसको लोगों के किस्से सुनना पसंद है, लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद है और दोस्ती निभाना पसंद है, तो वो लवकेश लोगों को पसंद आया, तो इट्स वेरी गुड कि एटलीस्ट लोगों को दिखी मेरी वो वाली साइड जो कभी शायद ना दिख पाई थी। और लवकेश, जब आप जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था कि एल्विश की वजह से आप इस शो में आ रहे हो, एक मैनेजर एक बिग बॉस का शो कर रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि वो सारी बातों को आपने जवाब दिया है? क्या मेरे चेहरे पे इतना सा भी लग रहा है कि मेरे को इन बातों से फ़र्क पड़ता? नहीं लग रहा ना यार, नहीं पड़ता भाई, इन चीज़ों से आगे निकल चुके हैं, मेरी जगह शायद कोई और होता उसको लगता, बट मेरे को नहीं लगता यार, हमारे में नॉर्मल चीज़ें हैं, यारी दोस्ती में अगर आप कह रहे हो तो हम नहीं मानते कुछ भी, यारी दोस्तों को आप कुछ भी कह लो, बट हमारे लिए वो दोस्त है, भाईचारा है, दोस्ती है, तो कोई चक्कर नहीं है। और एल्विश ने क्या कहा जब पहली बार एक कॉन्वर्सेशन हुई हो बिग बॉस के बाद? उसने कहा कि काम कर, लंदन आ जा। उसने कहा लंदन आ जाए, यहाँ घूमेंगे दोनों भाई। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, पहले फिनाले का शूट था, फिर मैं अभी घर जाऊँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा लंदन। और लवकेश, फिनाले के टाइम जब आपने घर के अंदर विशाल का ऑफकोर्स साथ नहीं दिया था, बट अभी आपने कहा कि आपको लगता है कि वो गिल्टी नहीं थे, क्या था ऐसा कि आपके ओपिनियंस चेंज हुए? यार उसने मेरे को अच्छे से बताई ना, हमारी बात हुई अच्छे से बैठ के, पहले तो वो बेचारा मेरे को कंसोल कर रहा था कि यार मुझे ये बुरा लग रहा है, पहले शिवानी, फिर मैं, फिर तू भी, तो पहले तो हम उस बात पे थे, पर हमने मूड लिफ्ट अप किया, फिर वो बातें सारी क्लियर करी कि मेरे को क्यों क्यों लगता था, उसने बताया कि ये चीज़ें थी, तो वो क्लियर हो गया, वो कोई बड़ी डील नहीं है यार, दोस्ती में चीज़ें अक्सर क्लियर हो जाती है अगर आप अच्छे से बात करो तो मैं खुश हूँ कि वो हो गया क्लियर। और बिग बॉस के कौन से कंटेस्टेंट हैं जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप, मतलब एक फ्रेंडशिप आगे बढ़ने वाली है, और किससे आप मिलने नहीं वाले हो? यार विशाल से, शिवानी से और सना से, इसे तो अभी हम पार्टी वार्टी लेंगे, कहेंगे लंदन घुमा के ला, बिजनेस क्लास टिकट करवाएंगे सब। और किसे मिलने नहीं वाले हो, ऐसे मन नहीं है? ना ना मिल लेंगे, क्या चक्कर है, कोई चक्कर नहीं, आगे से कोई आएगा मिलने तो हम बिल्कुल मिलेंगे यार, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ कि आगे से आ रहा मैं कह दूँ हट, नहीं ऐसा नहीं करता मैं। मतलब कि बहुत बातें हो रही है कि आप एक्टिंग एज अ प्रोस्पेक्टिव करियर देख रहे हो आगे, सच कितना सच है ये क्वेश्चन आपने खुद से बनाया ना, कोई बातें नहीं हो रही ना? हो रही है। अच्छा हो रही है भाई। यार तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए तो कर देंगे, आने तो दो कुछ, फिर बताऊंगा। और अपने फैंस को एक सिस्टम वाला मैसेज तो दे ही दो भाई। थैंक यू सो मच यार, मुझे प्यार करने के लिए ऐसे प्यार बरसाते रहो, थैंक यू सो मच, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हर जगह खड़ा। और सना के बारे में नहीं कहा आपने, आपकी फ्रेंड जीती है, कैसा रहा वो फीलिंग? यार भाई छोरी जीत गई, मजे आ गए, एटलीस्ट कोई अम्मी से जीता तो वो लगा कि उस टाइम मेरे को लिटरली बहुत अच्छा लगा था, कि मैं थोड़ा सैड था कि मैं वहाँ नहीं था, बट फिर वो जीत गई तो भाई ना, सो प्राउड ऑफ यू यार। थैंक यू सो मच लवकेश।